ये पहाड़ों का मौसम और शाम के कितने बजे हैं अभी? 4:48। हम लोग मनाली घूम के, मॉल रोड घूम के, हडिम्बा टेम्पल घूम के जैसे ही यहाँ आए तो 2 घंटे का करीब करीब पावर नैप ले लिया। अब एकदम बढ़िया फ्रेश फील कर रहे हैं। शाम हो चुकी है, ठंड हो चुकी है, कॉफ़ी पी रहे हैं। फ्रैंक और मेरा मन है कि कहीं या तो नीचे जाएं रिवर के पास में, या ऊपर देखते हैं कोई अच्छा कैफ़े मिल जाए तो वहाँ बैठें कुछ देर। अब घूमने वूमने का ज़रा मन है नहीं, थोड़ा रिलैक्स करने का मन है। सुबह से हम वॉक कर रहे हैं तो पैरों में दर्द हो गया है। फिलहाल तो कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं प्रियंका, नीचे ठंड में चलें क्या? नीचे रिवर पे क्या दिक्कत है? हाँ, थोड़ी देर थोड़ा चलते तो हैं। जाएँ तो कॉफ़ी ख़त्म करके नीचे चलते हैं रिवर पे। हमारे जो हम जहाँ रुक रहे हैं उससे थोड़ा नीचे वॉक करके आप जाओगे, आपको ब्यास रिवर है, वहाँ का व्यू मिलेगा। चल रहा ना, तो अभी हमको मिस्टर अब्दुल्ला नीचे छोड़ के आ रहे हैं हरिपुर नाले में। और गाइज, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप मनाली विज़िट करते हैं इस साल समर्स में या फिर आगे विंटर्स में कभी भी, तो एक बार जोजोज नेस्ट में आके आप देखिए, ट्रस्ट मी यू विल लव इट। ये शहर की भीड़ भाड़ से बहुत शांत और आपका एक कहते हैं ना क्वालिटी टाइम के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ से हम 50 मीटर नीचे आए हैं और ये देखो व्यू यहाँ पे नदी का। यहाँ पे मैं कैंपिंग कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे कैंपिंग करवाते हैं? बताओ। हाँ, अगर आपको कैंप करना हो तो यहाँ पे कैंपिंग होती है, ये पूरा कैंप प्लेस है। बैठो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स हैव ए गुड टाइम हियर। चलो दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जोजोज नेस्ट पे रुकने के क्या फ़ायदे हैं। रिवर, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद में ऐसा व्यू, ऐसी जगह, और क्या चाहिए। मतलब आप 600 किलोमीटर की ड्राइव करके आए हो, आप मनाली घूमे हो, सोलंग वैली जाए हो, बर्फ़ में खेल लियो, शाम को आके 2 घंटे सो लियो, और अब ये क्यों? प्रियंका क्या बोलना चाहोगी? तो चलो एंजॉय करते हैं यहाँ पे हम, और कोशिश करते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेके आपको दिखाता हूँ। अभी अभी जो आपने देखा यहाँ पे होटल के पास में हरिपुर एरिया हरिपुर गांव है, और यहाँ से ब्यास नदी का एक छोटा सा पार्ट निकल रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश करी और बैठ के थोड़ी देर मस्ती करी। ये सब फ़ायदे जोजोज नेस्ट के पास में आपको रहने से मिलेंगे, और पब्लिक से बहुत दूर यहाँ पे कोई नहीं है। मनाली की उस भीड़ भाड़ से तो सो गुना बेटर है। हाँ, भीड़ में जाओगे फंसोगे, से अच्छा है कि कहीं थोड़ा आउटस्कर्ट में पहले आप कोई रहने की जगह ढूंढी अच्छी सी, जो नेस्ट नहीं तो कोई और सही,
अच्छी जगह ढूंढनी है और आप ये सब इंजॉय कर सकते हैं। अभी कहाँ चलना है? अभी मैं सोच रही हूँ ऐसे कोई एक व्यू और एंजॉय किया जाए। चलो देखते हैं कोई और, हाँ अंधेरा होने से पहले कोई और अच्छा व्यू मिलेगा तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो प्लान ये है कि शाम हो चुकी है और ठंड बढ़ रही है, कोई आसपास सीनिक व्यूज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने सोचा क्यों ना बालकनी में जाके कुछ देर चेयर लगा के बैठ जाएं और वहाँ से जो सामने पहाड़ है उसके व्यू का मज़ा उठाएं। लोग आ चुके हैं वापस होटल में। प्रियंका को लगी थी भूख तो पीनट बटर पर ब्रेड लगा के दे दिया एक बारी। रात को कुछ बढ़िया बन रहा है खाने में, मतलब शाकाहारी खाना, वो खाएँगे। और एक बार आप व्यू देखो यहाँ का, उस पहाड़ पे वहाँ पे बर्फ है, कैमरा में शायद नहीं दिख रहा अच्छे से। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो आप कैमरा में देख रहे हो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कैमरा जो हम आंखों से देख रहे हैं। क्या प्रियंका, और क्या चाहिए, मतलब शहर की भीड़ भाड़ से कितना अच्छा है। कैसे लगी पीनट बटर ब्रेड, सही से बता देना जैसा भी लगे। ऑप्शन वैसे भी कम ही होते हैं जब घूमने आए तो, कम ऑप्शन में काम चलाना पड़ता है, मेरा चल जाता इसका नहीं चलता। हम व्यू को एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा डिनर पे, मे बी डिनर के बाद। असली शीतलहर तो ये है, अपने वहाँ चलती है ना थोड़ी सी हवा, तो शीतलहर चल रही है। हाँ तो अभी टाइम हो चुके हैं 7:30 और हम लोग जा रहे हैं नीचे, हमारा सेकेंड डिनर एट जोजोज नेस्ट। आज देखते हैं क्या बना है खाने में, जितने तक घूम लेते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो। तो ये आज का डिनर, राजमा गाजर मटर रोटी एंड राइस। हैड एन अमेजिंग डिनर, अनदर डे अनदर डिनर। आज हमने खाए राजमा चावल रोटी और सब्जी, किसकी थी, मशरूम पनीर था उसमें, पनीर नहीं गाजर मटर था यार, गाजर मशरूम था, पनीर मटर मशरूम, हाँ मटर मशरूम। हमने एक्स्ट्रा खाना खाया थोड़ा सा, 3 रोटी और चावल भी मैंने 2 बार खाए हैं क्योंकि सुबह से लंच किया उसके बाद में ज़्यादा कुछ खाया नहीं हमने, तो डिनर में हम हैवी कर चुके हैं डिनर। मैंने भी आज आपकी इक्वल किया, मैंने भी 3 रोटी खाई है, 3 रोटी खाई है। हाँ यूजुअली 3 रोटी खाती हैं, तो थोड़े से राइस भी ले लेंगे। हाँ थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करेंगे नीचे और फिर ऊपर जाके ठंडी हवा को एंजॉय करेंगे और फिर ऊपर जाके सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग, मुझे पता है आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, क्योंकि अगर मैं लंबा नहीं बनाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊंगा, और घूमने आए हैं तो सारी चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज़ दिखाऊं प्रॉपर। तो अगर ये वाला व्लॉग, ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, यहाँ तक अगर देख लियो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक और दिन के साथ, कल का प्लान आपको कल बताएंगे। यहाँ पे नाइट व्यू भी अच्छा है। हाँ और क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल आपसे फिर से यहीं पे।